क्या आपने कभी किसी डॉगी को आत्महत्या करते देखा है? नहीं ना, बल्कि हम में से आप में से कोई ये सोच भी नहीं सकता कि डॉगीज भी आत्महत्या कर सकते हैं। लेकिन आज मैं आप सभी को एक ऐसे ही जगह के बारे में बताने जा रही हूँ जहाँ पर कई सारे डॉग्स आत्महत्या कर चुके हैं। स्कॉटलैंड में डम्बार्टन के पास मिल्टन नाम के गांव में एक पुल है जिसे लोग मौत का पुल भी कहते हैं। इसे मौत का पुल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पिछले 160 सालों से कुत्तों के आत्महत्या की रहस्यमयी घटनाएं हो रही है। इस ब्रिज का नाम ओवरटाउन ब्रिज है जिसे 1895 में बनाकर तैयार किया गया था। इसकी ऊंचाई लगभग 50 फीट है जहां से अब तक लगभग 600 कुत्तों ने कूदकर अपनी जान दे दी है। सबसे आश्चर्य की बात तो ये है कि कुत्ते कूदने के बाद भी जिंदा बच गए, लेकिन उन्हें जैसे ही मौका मिला वे दोबारा उसी जगह से कूद गए। और हैरानी की बात तो ये है कि लोगों का कहना है कि लगभग सभी डॉग्स ब्रिज के एक ही स्थान पर चढ़कर छलांग लगाते हैं। बहुत से लोगों ने इस रहस्यमयी जगह की कई बार जांच करने की कोशिश भी की, लेकिन अभी तक इन घटनाओं की सच्चाई का पता नहीं चल पाया है। लेकिन बहुत से लोगों का सोचना है कि इन डॉग्स के सुसाइड की असली वजह क्या हो सकती है। लेकिन जैसा कि आप जानते होंगे कि कुत्तों में सूंघने की और चीजों को देख पाने की एक अद्भुत शक्ति होती है जो हम आम इंसानों में नहीं होती। वैसे तो इस रहस्य के पीछे की पक्की जानकारी किसी को नहीं, और शायद इसीलिए ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि कुत्ते किसी ऐसी चीज को देखते या सूंघते हैं जो उन्हें अपनी ओर इतना आकर्षित करती है कि वे ऊंचाई का अंदाजा भी नहीं लगा पाते और कूद जाते हैं, जिससे उनकी मौत भी हो जाती है। वैसे जब कुछ लोगों ने इस रहस्यमय जगह की जांच की तो जांच में ये पाया गया कि धूप के समय और खुले आसमानों में ऐसी घटनाएं ज्यादातर होती रहती है क्योंकि ऐसे मौसम में वहाँ फैलने वाली खुशबू ज्यादा तेज हो जाती है। और कुछ लोगों ने तो इस जगह को भूत प्रेत और नेगेटिव शक्तियों से भी जोड़ दिया है। लेकिन आज तक कोई भी व्यक्ति इस जगह के बारे में पूरी बात नहीं जान पाया और इस ब्रिज को एक रहस्यमय ब्रिज का नाम दे दिया गया। वैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ डॉग्स ही नहीं बल्कि डॉग्स के अलावा वहाँ पर कुछ इंसानों ने भी आत्महत्याएं की है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं नए वीडियो में नए फैक्ट्स के साथ। तब तक आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना।